WHO का जो फोकस है इन अगले 10 सालों में वो क्वालिटी एंड पेशेंट सेफ्टी पे है। सो इट्स कराची और हैदराबाद का बताता हूँ, 70% क्विनोलोन रेजिस्टेंस है। कम्युनिकेशन विद अदर हेल्थ केयर टीम्स, कम्युनिकेशन विद पेशेंट्स, डॉक्टर के पास कौन जाएगा, खुद से वो बहुत सारी दवाइयाँ इस्तेमाल कर लेते हैं जो कि उनके लिए जानलेवा साबित होते हैं। इस नॉलेज को हम लोग गेन करते हैं और इजीली हम फिर पेशेंट्स के ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं। दीस काइंड ऑफ कॉन्शियसनेस आर बीइंग हेल्प फॉर द मेडिकल प्रैक्टिशनर। दूसरे के सामने जब बातचीत करते हैं तो बहुत बेहतर तरीके से चीजें समझ में आती हैं। WHO का जो फोकस है इन अगले 10 सालों में वो क्वालिटी एंड पेशेंट सेफ्टी पे है। सो इट्स नॉट ओनली अबाउट एक्सेसिबल हेल्थ केयर, WHO हैज एडेड क्वालिटी टू द एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर। सो सिर्फ एक्सेस इज नॉट गुड इनफ एनी मोर, इट हैज टू बी क्वालिटी हेल्थ केयर। और ये स्लाइड व्हिच आई हैव प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ यू, ये आपके सामने बहुत से अनफॉर्चुनेट स्टेटिस्टिक्स रख रही है और आई एम गोइंग टू काइंड ऑफ बिल्ड यू नो वेयर वी आर टुडे। सो द नंबर्स आप एक एक नंबर पढ़ते जाएं, एंड वी आर ऑल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल एट लीस्ट इन पाकिस्तान वेयर वी वर्क फॉर व्हाट्स हैपनिंग हियर। सो वी हैव दिस मेडिकल प्रिवेंटेबल एरर्स एज अ बिग इशू। थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन द US हैज बिकम नॉट अ डिजीज, कैंसर और हार्ट डिजीज के बाद जो थर्ड है इट्स नॉट अ डिजीज, इज प्रिवेंटेबल मेडिकल एरर्स, समथिंग विच वी एज हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स कैन प्रिवेंट इफ वी डिवेलप सिस्टम्स। बिकॉज जैसे कि ये डॉक्यूमेंट बता रहा है, इंसान तो खता का पुतला है, तो करने का काम यह है कि जी सिस्टम बिल्ड करें। दूसरा, फिजिशियन बर्न आउट, एंड दिस इज समथिंग विच वी एक्सपीरियंस्ड प्रीटी मच ऑल ऑफ अस ड्यूरिंग कोविड, बट दैट्स नॉट लिमिटेड टू कोविड। हमने एविडेंस बेस्ड मेडिसिन को पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ मॉडर्न मेडिसिन ने अपना मोटो बना लिया, अपने लोगों का हिस्सा बना लिया। वी से एविडेंस बेस्ड मेडिसिन अपनाओ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि पीमा भी इसको अपना हिस्सा बनाए, हम सब एज पाकिस्तानी गेट्स भी इसको अपना हिस्सा बनाए, तमाम फार्मास्यूटिकल भी इसको अपना हिस्सा बनाए। एंड आई विल प्रेजेंट यू माय केस एंड यू विल बी द डिसाइडर्स वेदर इट शुड हैपन और नॉट। ये थोड़ा सा एविडेंस, मेरी एक स्टडी पब्लिश हुई है पिछले साल फ्रंटियर्स में। फ्रंटियर्स इज इन हाई इम्पैक्ट जर्नल इंजॉइंग 6.5 इम्पैक्ट फैक्टर, और आप ये पढ़ेंगे कि ये मैंने पाकिस्तान पूरे में की थी अपने कोलीग्स के साथ, मैं इसका PI था, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर। ये एक्स्ट्रा ड्रग रेजिस्टेंस सुपर बग पे की थी कि ड्रग रेजिस्टेंस कितना है पाकिस्तान में। ये मैं आपको सिर्फ कराची और हैदराबाद का बताता हूँ। 70% क्विनोलोन रेजिस्टेंस है, पेनिसिलिन रेजिस्टेंस है, सेफलोस्पोरिन रेजिस्टेंस है, और अब इमिप्लामिन भी रेजिस्टेंस हैं। इसमें 30% इमिप्लामिन जो हमको सुपर एंटीबायोटिक्स हम कहते हैं, गेट्स भी बनाती है, मेरोजेट के नाम से बहुत ज़बरदस्त दवाई है, मगर अगर उसको राइट लेफ्ट एंड सेंटर यूज़ किया जाएगा तो कम्युनिटी बेस्ड रेजिस्टेंस इज गोइंग टू रैपिडली इमर्ज एंड देन द ब्रांड विल डाई अवे। द वैल्यू ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द टीम्स, कम्युनिकेशन विद अदर हेल्थ केयर टीम्स, कम्युनिकेशन विद पेशेंट्स, कम्युनिकेशन विद द फैमिलीज and rest of the society, we are seriously failing in not communication. Another area where we need to emphasize in our training and our teaching is the fact that we are working in healthcare systems, and those healthcare systems have got their limitations. We are not living in an ideal world. Our resources are limited, so those resources need to be spent judiciously. मैं इस वक्त कराची के मुकामी होटल में मौजूद हूँ, जहाँ पर आज बहुत ज़बरदस्त कॉन्फ्रेंस चल रही है जो कि मेडिसिन के तारुफ़ के हवाले से इंट्रोडक्शन मेडिसिन डिफरेंट मेडिसिन का तारुफ़ हो रहा है और उसकी फंक्शंस, उसके इफेक्टिव, उसके साइड इफेक्ट सब पर डिस्कस हो रही है। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, मुख्तलिफ रूम्स में, बहुत सारी रूम्स में इसी किस्म का टॉपिक है कि हम जो एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं उसका आम जो डॉक्टर्स हैं, जो अस्पतालों में नाम नहाल डॉक्टर बने हुए हैं, जो एक कंप्लीट डॉक्टर नहीं है, MBBS विदाउट हैं, वो अपनी
प्रैक्टिस करते हैं एंटीबायोटिक के हवाले से, उनके अवेयरनेस के लिए कि इस किस्म की प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, इंसानी जानों के साथ नहीं खेलना चाहिए, कि किस तरीके से साइड इफ़ेक्ट्स मेडिसिन की होती है जो इंसान घर बैठ के बगैर बताए डॉक्टर्स को और बताए किसी नॉलेज में वो खा लेते हैं जो उनको बाद में बड़ा नुकसान होता है। मैं डॉक्टर से बात करूँगी, आप सुनिएगा आज के डॉक्टर्स क्या कहते हैं इसमें। अब्बासी शहीद के लोग जानते हैं, ये पूरी कराची के लोग जानते हैं डॉक्टर कैसर सजाद, जो कि हमेशा एक्टिव रहते हैं, अपने लोगों को अवेयरनेस देते हैं, कुछ भी हो, कोई भी हमारे मुल्क में कोरोना जैसी बीमारी या हमारे मुल्क में किसी भी किस्म की बीमारी हो, वो उसके लिए आपको हमेशा मीडिया में नज़र आएंगे। आज मैं इनकी स्टूडेंट होते हुए मैं बड़ा फ़ख्र करती हूँ, महसूस करती हूँ कि इन्होंने बहुत सारी नर्सिस और बहुत सारे डॉक्टरों को अपनी इस तालीम को जो इन्होंने हासिल की है वो आगे तक पहुँचाई है। ये जो घर प्रैक्टिस करते हैं, जो लोग आम जो विदाउट MBBS लोग हैं जिन्होंने क्लिनिक खोल के बैठे हैं, ये आज एंटीबायोटिक के हवाले से बात हो रही है तो एडवाइस कर देते हैं एंटीबायोटिक, इसके साइड इफ़ेक्ट ज़रा बताइएगा और ये क्या हो सकता है और क्यों इंसानी जानों के साथ खेलते हैं। जो लोग क्वालिफाइड नहीं हैं इस शोबे में, जिनको कुछ नहीं पता होता है कि जी ये एंटीबायोटिक है क्या और किस मरीज़ को देना चाहिए, वो फिर ये लोग काम करते हैं जिसके लिए जो बहुत ही ख़तरनाक है। मैं समझता हूँ कि ये एक कानून बनना चाहिए कि सिर्फ़ और सिर्फ क्वालिफाइड डॉक्टर्स जो हैं उसकी प्रिस्क्रिप्शन दिखाकर मेडिसिन मिलनी चाहिए बाज़ार में जो मेडिकल स्टोर वाले देते हैं। लेकिन चूंकि मेडिकल स्टोर में कोई तरीका नहीं है, आप जितनी मर्ज़ी चाहें, आपको ख़ुदकशी करनी है, आप अपनी मर्ज़ी से बहुत सारी खावावर दवाइयां हैं जो सेडेटिव है वो लेके आप मर जाएं। तो पॉइंट ये है कि ये जो नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं वो बैठे हुए हैं अपने घरों में, जो लोग होते हैं वो बचते हैं कि जी आप डॉक्टर के पास कौन जाएगा, ख़ुद से वो बहुत सारी दवाइयां इस्तेमाल कर लेते हैं और अपनी मर्ज़ी से, जो कि उनके लिए जानलेवा साबित होते हैं। ख़ासकर अगर एंटीबायोटिक की बात करें तो देखें, एंटीबायोटिक जो है वो बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ एक दवा है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ एंटीबायोटिक दी जाती है, फिर वो एंटीबायोटिक कितने डोज़ में लेनी है, किस डोज़ में लेनी है और क्या उसकी ड्यूरेशन होगी, कब तक लेनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। तो ये क्वालिफाइड डॉक्टर ही बताता है। लोग क्या करते हैं, अपनी मर्ज़ी से दवा ले लेते हैं 2 दिन 3 दिन के लिए, जो कि उनकी बॉडी में रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, फिर आगे चल के दवाइयाँ असर नहीं करती हैं। तो लिहाजा ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान से हुकूमत भी, हुकूमत पाकिस्तान पे भी जो है इस पर पाबंदी लगाए इस तरह की जाके दवाइयाँ लेना मेडिकल स्टोर से, और आवाम को भी चाहिए कि अपनी सेहत का ख्याल करें, अपने बच्चों के ख्याल करें। और इस वक्त इस महंगाई के दौर में इलाज बहुत महंगा हो गया है, तो लिहाजा सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइड डॉक्टर से ही मशवरा करें। और इसमें एक चीज़ और भी मैं बता दूँ कि डॉक्टरों को भी चाहिए कि अपनी फ़ीस थोड़ा कम करें, लोगों की मदद करें, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। मेरा नाम कदीर हाशमी है और ये कॉन्फ्रेंस यहाँ इस तरह की होनी चाहिए। बेसिकली हमारे यहाँ जब MBBS करके डॉक्टर्स फारिग हो जाते हैं तो बेसिकली होता यह है कि वो आगे स्टडी नहीं कर पाते, सो दैट्स वाई जब ये कॉन्फ्रेंसेस होती हैं तो इसमें और ऑल ओवर द पाकिस्तान और इंटरनेशनल और नेशनल स्पीकर्स को बुलाया जाता है जो कि अपना डिलीवर करते हैं नॉलेज को। इस नॉलेज को हम लोग गेन करते हैं और इजीली हम फिर पेशेंट्स के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं, सो इससे ये पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। हाल ही में अभी रिसर्च एक आई थी कि इस वक्त सबसे ज़्यादा रिसर्च अगर मेडिकल्स में हो रही है तो वो चाइना कर रहा है, सेकंड नंबर पे USA अमेरिका कर रहा है, पाकिस्तान का जो नंबर आ रहा है वो 74 पे आ रहा है, इतनी पीछे है इसकी रिसर्च। सो अगर ये चीज़ें अगर देखें तो अगर ये चीज़ें अगर यहाँ पर ये कॉन्फ्रेंसेस लोग कंटिन्यू करते रहेंगे तो ये पाकिस्तान की हेल्थ सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक प्लेटफॉर्म में सब डॉक्टर मुख्तलिफ अस्पतालों में कराची में उनको मौका मिलता है कि वो एक दूसरे को अपनी गेट टुगेदर इन्फॉर्मेशन देते हैं, आप ये कहना चाहते हैं कि प्रैक्टिस भी होती है उनकी? जी बिल्कुल, ये तमाम नॉलेजेस जो हमारे प्रोफेसर्स लेवल्स हैं के लोग हैं वो आकर हमें ये नॉलेज डिलीवर करते हैं, जिसके नतीजे में एक अच्छे इन्वायरमेंट के अंदर हम वो नॉलेज गेन करते हैं और गेन करने के बाद वो नॉलेज हम इस अपने पेशेंट्स के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। इस वजह से ये इसका इफ़ेक्ट आता है और बहुत ज़बरदस्त इफ़ेक्ट होता है, जिसके नतीजे में हम ईज़िली पेशेंट को ट्रीट करने में आसान होता है डॉक्टर्स का।
कॉन्फ्रेंस के हवाले से मुख्तलिफ डॉक्टर्स, यंग और सीनियर डॉक्टर सब यहाँ मौजूद हैं। मेरे पास एक यंग डॉक्टर खड़ी हैं, दिल से इस पेशे में आई हैं कि वो अपना हिस्सा डालें इंसानियत के लिए और उसमें खिदमत करें। मेरे पास डेंटल सर्जन मौजूद हैं, मैं डॉक्टर से बोलूँगी कि आप तारुफ कराइएगा प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माय नेम इज़ डॉक्टर राबिया इलियास एंड आई एम द कंसल्टेंट डेंटल सर्जन। टुडे वी आर ऑल हेयर फॉर द पीमा कराची कॉन्फ्रेंस 2022 एंड वी आर सो डिलइटेड दैट दीज काइंड ऑफ कॉन्फ्रेंसेज आर बींग हेल्प फॉर द मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड दीज काइंड ऑफ कॉन्फ्रेंसेज आर हेल्पिंग अ लॉट फॉर यंग मेडिकल प्रैक्टिशनर्स टू इन्हांस देयर स्किल्स एंड टू पॉलिश देयर knowledge. So thank you so much Pima for organizing such kind of events and we are looking forward for more kind of these things. kahan pe apni khidmat sar anjam de rahi hain aur aapke under mein students hain aane wale? Right now I'm practicing at ESA Laboratory Dental Services. So I have my practice at Dr. ESA Dental Services. kism ki conference saal mein ek martaba nahi balki kai dafa honi chahiye, इसलिए कि इसमें जो है यंग लोगों को अपने फ्यूचर कैरियर बनाने के लिए जो मशवरे चाहिए वो यहाँ उनको मिल जाता है। हमारी बड़ी खुशकिस्मती है जो जिन हॉस्पिटल के लोग हैं, कराची के लोग हैं, वो एक ऐसी जानी पहचानी शख्सियत है डॉक्टर साहिबा। ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है ये एक ऐसी गेट टुगेदर डॉक्टर्स के लिए एक नई नई चीज़ें हैं जूनियर सीनियर्स के लिए। आप क्या समझती हैं कि इस किस्म की कॉन्फ्रेंस होती रहनी चाहिए? जी अस्सलाम वालेकुम और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से ये कॉन्फ्रेंसेस बड़े हाइब्रिड कॉन्फ्रेंसेस हो तो रही थी लेकिन अब बड़े अरसे के बाद इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं जिसमें डॉक्टर्स एक दूसरे से मिलते हैं और ऑब्वियसली एक दूसरे के सामने जब बातचीत करते हैं तो बहुत बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में आती हैं। हाइब्रिड कॉन्फ्रेंसेज होती रही हैं, कोविड के ज़माने में हमें पता है कि बड़ी मुश्किल रही हैं लेकिन ये एक बहुत ही खुशाइन पहलू है कि पीमा वालों ने ये कॉन्फ्रेंस कराई है एंड वी आर वेरी प्राउड। इन्होंने जो सेशनस रखे हैं वो बहुत ही बेहतरीन है। इमरजेंसी मेडिसिन के सेशंस नहीं हुआ करते थे और हमारे तवसुत से ये होने लगा कि इमरजेंसी मेडिसिन के सेशंस हुए और ये रिकग्नाइज भी हुई स्पेशलिटी। तो मैं तहे दिल से पीमा का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ एंड आई थिंक देव डन अ वंडरफुल जॉब और अल्लाह करे कि आगे भी ये कॉन्फ्रेंसेस इसी तरह चलती रहे। लोगों ने प्रैक्टिकल लाइफ ज़्यादा गुजारी थी, इस किस्म की कॉन्फ्रेंस नहीं होती थी लेकिन आप पेशेंट्स के ज़्यादा टाइम पेशेंट्स को देते थे लेकिन आज की डॉक्टर जो आने वाले इनको सब सहूलतें मौजूद हैं, ये पेशेंट के साथ ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करते। तो आप लोग क्या कहेंगे कि आप वो पेशेंट के साथ ज़्यादा स्पेंड करें? मेरे ख्याल से तो बहुत टाइम पेशेंट्स की वजह से ही सब कुछ है और अगर पेशेंट सेहतमंद हों तो वही डॉक्टर के लिए उसकी कामयाबी का राज जो है वो यही होता है। तो पेशेंट्स के साथ एक अच्छा एटीट्यूड, एक सारा कुछ पेशेंट्स की वजह से, तो अगर वो नहीं होगा तो आई थिंक देन वी आर अ फेलियर। सो द थिंग इज़ के अब पेशेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना, उनको तसल्ली देना, काउंसिल करना, ये हम सब का फ़र्ज भी है और मेरे ख्याल से इसको कंटिन्यू करने की ज़रूरत है। पूरी नर्सिस जो हैं हमारी डिफरेंट नर्सिस थी कराची की हैं, ये आपको सैल्यूट करती हैं और मैं समझती हूँ डॉक्टर्स भी करते हैं क्योंकि आपकी बड़ी एफर्ट रही हैं। आप बड़ी मुश्किल में जिन्ना हॉस्पिटल में मुश्किल वक्त में जब कुछ भी नहीं हुआ करता था, जब भी आप पेशेंट के लिए कहीं से भी अरेंज करके उनके लिए मेहनत करती थी और आपकी हमेशा खिदमत को सराहा जाएगा, याद रखा जाएगा और मेरा ख्याल है दिलों में और दिमाग में रखा जाएगा। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।